मैंने पुलिस के ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई है और कई सारे ऐसे लोगों से भी बात किया मैंने जो कि पुलिस में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है या फिर जो पहले से पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। और उन सभी से बात करने पे मुझे दो चीज़ समझ में आई। आप में से बहुत सारे लोग पूछते कि पुलिस बन रहे तो क्या करें, लेकिन दोस्तों मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको पुलिस बनना है, पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, तो क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको दो बात बताऊंगा जो कि दोस्तों आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपको पुलिस में जाना है तो अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, पुलिस बनना बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है और बहुत सारे स्टूडेंट अपना सपना पूरा करते हैं। वही स्टूडेंट का सपना पूरा होता है जो सही तरीके से पढ़ाई करते हैं, राइट स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, अपनी कमियों को दूर करते हैं और मेहनत से पीछे नहीं भागते। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा दो ऐसी बातें जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन सी पहली बात है जो कि आपको नहीं करनी। दोस्तों जो पहली बात है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, लेट से नहीं उठना है। जी हाँ, आपको सुबह जगना है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि सुबह में जगते होंगे, लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि सुबह में नहीं जगते होंगे, वो देर से जगते होंगे। सुबह में क्यों जगना, उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको पुलिस की जॉब चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, तो दोस्तों आपकी फिजिकल, आपकी रनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करोगे, तो दोस्तों आप रिटर्न निकाल लोगे, लेकिन फिजिकल में, रनिंग में दोस्तों आप पीछे रह जाओगे। और जब तक आपका रिटर्न, फिजिकल ये सब कुछ नहीं निकलता, तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती। इसलिए दोनों चीज़ ज़रूरी है, फिजिकल भी ज़रूरी है और रिटर्न भी ज़रूरी है। अगर आप देर से जगते हैं तो अब देर से जगना बंद कीजिए, सुबह उठिए और रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई पहली बात। दोस्तों दूसरी बात यह है टालने वाली आदत। जी हाँ, हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, अच्छा करेंगे करेंगे करेंगे, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ही बुरी आदत है कि करेंगे। अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, तो उसके लिए आप उसको पोस्टपोन नहीं कीजिए, आप उसको टालिए मत कि अच्छा शाम में कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा दो दिन बाद कर लेंगे, ऐसे मत कीजिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो दोस्तों एक एक दिन टलते टलते एग्जाम का डेट आ जाएगा और तब तक भी आप कुछ नहीं पढ़े रहेंगे। इसलिए आप किसी भी क्लास में है, चाहे कोई भी क्लास के आप स्टूडेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये जो टालने वाली आदत है कि अच्छा कर लेंगे, इस चीज़ को आप दोस्तों छोड़ दीजिए। ये चीज़ अगर आप छोड़ देते तो दोस्तों आप जो भी चीज़ चाहोगे, आपको जो भी पाना होगा, आप उसे पा सकते, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने दो बातें जानी कि हम लोग को पुलिस बनने के लिए क्या नहीं करना है। पहले तो आपको सुबह उठना है, देर से नहीं उठना, और दूसरी चीज़ जब जिस काम को करना है आप उसी टाइम पे उस काम को करिए, उस काम को टालिए मत। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से कौन सी आदत आप में थी और नहीं थी, तो वो भी बताइए। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।